लगता है कि ये चचरी पुल हम लोग एक मात्र एक विकल्प है, क्योंकि ये चचरी पुल नहीं होगा, कोई रात में बीमार हो गया, कोई इमरजेंसी केस हो गया तो डॉक्टर के पास जाना है या प्रखंड कार्यालय में आना है, तो ये यही एक सहारा है। देखिए यहाँ ये कोसी नदी है, इतनी बड़ी नदी है कि यहाँ आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी, सामने केशपुर अंचल भी है तो नदी में काफ़ी समय लगता था पार होने में, अभी चचरी पुल बन जाने से लोग मिनट में पूरी नदी पार कर जाते हैं। सर ऐसे तो बहुत फायदा है, 6 लाख रुपया लागत लगा कर पुल बने लिए हैं, खेती बाड़ी दवाई दारू सब फायदा है, आना जाना सब फायदा है आदमी। आजादी के 75 साल के बाद भी एक पुल के लिए तरस रहे लोग, साल के 6 महीने नाव और साल के 6 महीने चचरी पुल। किरतपुर प्रखंड के मुख्यालय से सटा हुआ है कोशी नदी। दरभंगा का एक ऐसा इलाका जहां सालों भर कोशी नदी में पानी होने के कारण लोगों को 6 महीना नाव में तो 6 महीना चचरी पुल के सहारे जिंदगी कटती है। जी हां, दरभंगा जिला के गौरा बोराम विधानसभा के किरतपुर गांव के लोगों को आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद पुल के लिए तरसना पड़ रहा है। किरतपुर प्रखंड मुख्यालय से महज कुछ ही दूर पर कोशी नदी है, जिस पर पुल नहीं होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर यह पुल बन जाने से किरतपुर प्रखंड के 50 से ऊपर गांव को सीधा फायदा पहुंचेगा, साथ ही सुदूर इलाके के लोगों को सहरसा जिला और मधुबनी जिले से भी सीधा संपर्क हो जाएगा। लेकिन सरकार के द्वारा ध्यान नहीं देने से ये इलाका पिछड़ा हुआ है। यहाँ के विधायक सांसद जनप्रतिनिधि से गुहार लगाकर ग्रामीण थक चुके हैं। हर साल यहाँ पर 6 से 7 महीना नाव चलाया जाता है और पानी कम होने पर श्रमदान और आपसी सहयोग से लाखों खर्च कर चचरी पुल बनाया जाता है, लेकिन जैसे ही नदी में पानी भरता है चचरी पुल पानी के साथ बह जाता है और स्थानीय लोगों का समय बर्बाद हो जाता है। वैसे स्थानियों को नाव के साथ चचरी पुल से जान का डर बना रहे। बहुत सुविधा है सर, सुविधा है, जना कि मान के चलो तो का आदमी खेती के नहीं है, ऐ बगल का आदमी वही बगल, सबसे पहले तो जाए अब में जो लेट हो से सुविधा भ गए। अच्छा ऐसे पहले जे वही बगल का आदमी के जना डिलीवरी परसेंट हो, मान के चलो कोनो मर इमरजेंसी मरण हरण जना भ जाए तो लाव पहले चले चले के लिए लेट भ जाए, आ ई सुविधा अ लिए दल गेल छे कि मान के चलू जल्दी अपन पास भ के वो अपना काम क सके। देखिए यहाँ ये कोसी नदी है, इतनी बड़ी नदी है कि यहाँ आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी, सामने केशपुर अंचल भी है तो नदी में काफ़ी समय लगता था पार होने में, अभी चचरी पुल बन जाने से लोग मिनट में पूरी नदी पार कर जाते हैं। किसी तरह का अगर कोई इमरजेंसी हुआ तो भी लोगों को आने में सुविधा है इस रास्ते से। आप देख रहे होंगे कई लोग मवेशी लेके, मवेशी के चारे के लिए भी उधर जाते हैं और लेके चले आते हैं। पुल बनने से लोगों को काफ़ी सुविधा हुई है यहाँ, और करीब आसपास में 4 जिले से जुड़ा हुआ गांव है, सभी जिले के गांव में लोगों का आना जाना लगा रहता है, और जिन्होंने भी ये पुल बनाया उनका मानना है कि ये पुल ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, चूँकि नदी में अगर अभी भी जलस्तर बढ़ जाए तो ये नदी इस चचरी वाले पुल को जो करीब 6 लाख के लागत से बता रहे हैं लोग कि 6 लाख का लागत लगा है, ये चला जाएगा पानी में। ये चचरी पुल हम लोग एक मात्र एक विकल्प है, क्योंकि ये चचरी पुल नहीं होगा, कोई रात में बीमार हो गया, कोई इमरजेंसी केस हो गया तो डॉक्टर के पास जाना है या प्रखंड कार्यालय में आना है, तो ये यही एक सहारा है। इसके अलावा कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं। नाव से आना जाना पहले रहता था, लेकिन नाव में भी क्या कि वो जैसे 8 बजे 9 बजे रात के बाद नाव बंद हो जाता है, उसके बाद कोई इमरजेंसी हुआ तो आदमी फंसा रहेगा। तो चचरी पुल से खेती बाड़ी किसानों के लिए भी बहुत मतलब अच्छा है, ताकि अपना खेत पे गया अपना जो भी खेती का काम है वो अपना काम करके फसल को देख के फिर वापस समय पे घर लौट के वो आ सकते हैं।